वो एक ऐसे भारत का निर्माण था जिसमें हर शख्स को आज़ादी होगी, इंसाफ मिलेगा और हर सर को छत, हर बदन को लिबास, हर पेट को दो वक्त की रोटी और हर पैदा होने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा और स्नेह तालीम मिलेगी। लेकिन क्या वो उस भारत का हम अब तक निर्माण कर सके हैं? ये एक सवाल है जो हमारे सबके सामने है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस भारत का निर्माण क्यों नहीं हुआ? एक अच्छे संविधान के होने के बावजूद भी वो तमाम शब्द सिर्फ संविधान तक सीमित क्यों रह गए? उस भारत का हम निर्माण क्यों नहीं कर सकते? इस भारत की तारीख को देखेंगे हम तो कुछ डेट्स, कुछ तारीखें ऐसी हैं जो इस भारत के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। 6 दिसंबर 1992 की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन और भी कई ऐसी तारीखें हैं, ऐसी कई ऐसी डेट्स हैं जो इस भारत के सामने एक सवालिया निशान खड़ा करती है, क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। आप जानते हैं कि 1949 में बाबरी मस्जिद की जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी पूरी गुफ्तगू आकर सीमित हो जाती है 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 उसका कल्मिनेशन है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इतिहास में पहली गलती 1949 में हुई थी। 22 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। उस वक्त सेंटर में बीजेपी की हुकूमत नहीं थी, स्टेट में बीजेपी की हुकूमत नहीं थी, सेंटर में भी कांग्रेस की हुकूमत थी और स्टेट में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद में जब मूर्तियां रखी गई तो जिस कांस्टेबल ने FIR करवाई थी वो एक हिंदू कांस्टेबल था। उसने ये बात कही कि 22 दिसंबर 1949 की रात तक इस मस्जिद में नमाज होती थी और जब रात की नमाज पढ़ के मुसलमान गए तो कुछ शर्मपसंद लोगों ने मस्जिद की पवित्रता को भंग किया और इसमें मूर्तियां रख दी। होना ये चाहिए था, इंसाफ का तकाजा ये था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन ये करता, सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टिव देती, स्टेट गवर्नमेंट उसका पालन करती कि मूर्तियां हटा दी जाती और मस्जिद लोगों को वापस कर दिया। इंसाफ का तकाजा ये था। लेकिन हुआ ये कि उस मस्जिद में ताला लगा दिया गया, फिर ताला लग गया, वो मामला वहीं अटक गया। ना चाहते हैं कि हमें किस काम से वोट ज्यादा मिलेगा, किस काम से वोट कम मिलेगा, किसको हमें अपीस करना है, किसको हमें नाराज करना है, इसी सेंस में आगे चीजें बढ़ती हैं। तब ये देखते हैं कि 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। उसके बाद जिन लोगों ने शहीद किया उनके खिलाफ केस चल रहा है। 26 साल के बाद आज भी वो केस अपने बिल्कुल इब्तदाई मरहले में है। वो लोग मंत्रिमंडल में भी आ गए, देश के उप प्रधानमंत्री बने और आज भी हैं वो लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद कर लिया, एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो इस तरह के नारे लगाए थे, वो आज भी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं मिनिस्टर के पद पर। तो हम ये देखना चाहिए। फिर आप देखिए सूरत हाल ये है कि 2010 में बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला दिया। क्या फैसला था? इशू टाइटल सूट का था कि ये टाइटल बिलोंग्स टू हूं, टाइटल बिलोंग किसका है ये देखने के लिए आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कब्जा किसका था, लैंड रिकॉर्ड किसके हक में है, रेवेन्यू रिकॉर्ड किसके हक में है, इतिहास क्या कहता है, इनके बुनियाद पर फैसला करेंगे। फैसला हुआ एक पंचायत का फैसला, 3 पार्टियां हैं, एक 1/3 1/3 1/3 तीनों को दे दिया था, ये इंसाफ है। तो फिर उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये इशू खड़ा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी इस पर बात होती है तो ये कहा जाता है कि भाई वो तो हमारी आस्था का सवाल है। आस्था कब से पैदा हुई? आस्था बगैर किसी इतिहास की होती है? बात ये है कि 1949 से पहले वहां एक चबूतरा था बाबरी के बाहर, वहां मूर्तियां रखी हुई थी आपकी, यानी उन लोगों की आस्था उस चबूतरे से जुड़ी हुई थी। और अगर आप और पीछे जाएंगे तो 1886 के अंदर वो चबूतरे के लिए थी जब ये कोशिश की गई थी कि वहां पर एक छत बना दी जाए और एक एप्लीकेशन डाली गई थी फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जयकिशन ने ये ऑर्डर दिया था कि उससे एडजेसेंट एक मस्जिद है, अगर यहां पर
तब छत डाला जाएगा और यहाँ मूर्ति या पूजा शुरू होगी, भजन कीर्तन होगा, तो उससे मस्जिद के अंदर जो नमाज पढ़ने वाले होंगे उनको डिस्टर्बेंस होगा। यानी मस्जिद से कोई आस्था नहीं जुड़ी हुई थी। 1949 में जब जबरदस्ती उसमें मूर्तियां रख दी गई तो पूरी की पूरी आस्था मस्जिद से जुड़ गई। यही राम पैदा हुए। आपको मैं एक बात और बता दूं, चूंकि मैं इस केस से जुड़ा हुआ हूं, इस केस में जो बातें कही गई कि राम कब पैदा हुए थे, तो उसमें तीन तरह के वर्जन आए हैं। एक वर्जन था कि करोड़ों साल पहले पैदा हुए थे, एक वर्जन था कि लाखों साल पहले पैदा हुए थे, एक वर्जन था कि दहाइयों पहले पैदा हुए थे। जब आपको यही नहीं मालूम कि राम कब पैदा हुए थे, लेकिन आपको यह बहुत ही सही तरीके से मालूम कि राम यहीं पैदा हुए, यही बात है। आप अयोध्या जाइए, अयोध्या में 5 मंदिर हैं जो ये दावा करते हैं कि राम यहां पैदा हुए थे। राम जन्म स्थान मंदिर के नाम से मंदिर मौजूद है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के अंदर क्या हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी मेजोरिटी के अंदर कोई ऐसा सेन आवाज नहीं है? अभी पुराना ये बहुत सही बात कही, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो ये बात पब्लिकली कह रहे हैं? आज पूरा डिस्कोर्स बदल गया। बाबरी मस्जिद के द्वारा रिकंस्ट्रक्शन बात नहीं हो रही। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद छवि की गई थी, उस पर स्टेटस को लगा हुआ था। स्टेटस को का मतलब यह है कि आप उस स्टेटस को रेस्टोर करिए पहले,